आपका ये 10 है क्वेश्चन नंबर मिसलेनियस का, ठीक है, चैप्टर 5 का कॉम्प्लेक्स नंबर का Z1 दिया है 2 माइनस आई, और Z2 दिया है 1 प्लस आई। तो फाइंड करना है इसमें मॉड Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस 1, ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो हम पहले इनकी वैल्यू निकाल लेंगे। पहले ये निकालो, क्या आएगा आपका Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस 1। तो Z1 की वैल्यू पुट करोगे कितना है 2 माइनस आई, प्लस Z2 की वैल्यू कितना है 1 प्लस आई प्लस 1 अपॉन Z1 की वैल्यू कितना आएगा 2 माइनस आई, माइनस है आपका Z2 है तो माइनस 1 हो जाएगा, माइनस आई हो जाएगा और प्लस 1 हो, ठीक है। तो कितना इसमें आई से आई कट गया ये, और ये नीचे 1 से ये 1 कट गया, ऊपर कितना बचेगा 2 और 2 4, नीचे कितना बचेगा 2 माइनस 2 कॉमन ले लो 1 माइनस आई बचेगा, ठीक है, 2 से कट गया 2 हो गया, 2 अपॉन कितना होगा 1 माइनस आई हो गया, ठीक है, रेशनलाइज कर दो इसको 2 1 प्लस आई अपॉन, ठीक है, यहाँ कितना होगा 1 माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 2 1 प्लस आई अपॉन, नीचे क्या होगा 1 प्लस 2 1 2 हो जाएगा ना, तो ये 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा क्योंकि आई स्क्वायर माइनस 1 होता है, माइनस माइनस ये प्लस 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 होगा, तो ये आ गया 1 प्लस आई हो गया। अब इसका क्या निकालना है, मॉडुलस निकालना है, यही निकालना है ना मॉड इसका, तो आप क्या निकालोगे मॉड 1 प्लस आई कितना होगा 1 प्लस 1 रूट 2 आंसर हो जाएगा, कितना होगा क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 नहीं है, इसका भी 1 है। आया कि नहीं समझ में, आ गया समझ में, क्लियर? चलो लिखो जल्दी से इसको। ये 14 क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द रियल नंबर एक्स एंड वाई इफ एक्स माइनस आई वाई इंटू 3 प्लस 5 वाई इज कॉन्जुगेट ऑफ दिस, इसका कॉन्जुगेट निकालना है, ठीक है। तो एक्स माइनस आई वाई और 3 प्लस 5 आई, जिसको सिंप्लीफाई करो कितना होगा, ये एक्स इंटू करो कितना हुआ, ये 3x अब प्लस हो जाएगा 15i, आई से इंटू करो कितना होगा माइनस 3yi हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा आई स्क्वायर हो गया, तो आई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5, कहाँ पे यहाँ पे 1 मिनट, एक्स से होगा 3x, आई से करेंगे 5 3 15, फिर नहीं एक्स से इसमें भी तो होगा सॉरी 15 या 5 यहाँ एक्स भी आएगा, ठीक है, रुक जाओ फिर से लिख देते हैं 3x प्लस कितना हो गया 5xi माइनस कितना हो जाएगा 3yi माइनस आएगा 5yi स्क्वायर, तो प्लस हो जाएगा 5y हो जाएगा, ठीक है, अब तो ठीक है। अब क्या करोगे, ये 3x प्लस 5y एक साथ हो जाएगा, प्लस यहाँ से हो जाएगा 5x माइनस 3yi हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि फाइंड द रियल एक्स एंड वाई इफ दिस इज कॉन्जुगेट ऑफ दिस, ये क्या है, किसका कॉन्जुगेट है, -6 -24i का, तो उसका कॉन्जुगेट लिख दो क्या होगा, -6 +24i हो जाएगा इसका कॉन्जुगेट, समझ में आ गया। अब कंपेयर कर दो बाई कंपेयरिंग, ठीक है, ये कॉन्जुगेट था, किसका कॉन्जुगेट था, -6
माइनस 24i का, तो माइनस 6 प्लस 24i हो जाएगा। कंपेयर करोगे कितना हुआ, 3x प्लस 5y, ये किसके इक्वल होगा, माइनस 6 के, और दूसरा क्या होगा, 5x प्लस 5x माइनस 3y इक्वल टू 24। सॉल्व कर लो दोनों को, क्या करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, इसको कर दो इनटू किससे करोगे, 3 से कर दो, इसको 5 से कर दो, ठीक है, कितना आएगा ये, 3 जा 9x प्लस 15y इक्वल टू 36 जा कितना हुआ, 18 हो गया, 5 से करोगे 5 जा 25x माइनस 15y इक्वल टू करोगे तो कितना आएगा ये, 120 आ जाएगा। ऐड कर दो, ये कट गया, कितना हो जाएगा ये, हाँ 34 होगा ना ये, x इक्वल टू कितना आएगा ये, माइनस किया कितना आया यहाँ पे, 102, तो x की वैल्यू आ गया 102 बाई 34, 3 आ गई, x की वैल्यू 3 आ गई, x की वैल्यू पुट कर दो फर्स्ट में, कितना हो जाएगा ये, थ्री इंटू थ्री माइनस प्लस 5y इक्वल टू माइनस 6, 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5y था ना यहाँ पे, माइनस 3 जा कितना हुआ, 9 माइनस 6 माइनस 9, तो y की वैल्यू माइनस 15/5, तुम तो कह रहे दोनों इक्वल आएगा, माइनस, ठीक है, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू माइनस 3 आ गया। चलो अगला क्वेश्चन करो, फाइंड द मॉडुलस, ही निकल जाएगा, इसमें भी मिटा हुआ है, क्या क्या है इसमें देखना, ये मेरा फेसबुक का पेज है मैथ्स एंड मोर के नाम से, इसको भी आप लोग लाइक कर सकते हैं। उत्तम नगर दयाल सो रोड पे नई दिल्ली में हमारी मैथ्स पॉइंट के नाम से कोचिंग है, जहाँ एकेडमिक और कंपटीशन की तैयारी कराई जाती है, ठीक है। 16th है, इफ दिया एक्स प्लस आई वाई का होल क्यूब इक्वल टू यू प्लस आई वी, देन सो दैट एक्स अपॉन यू अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई इक्वल टू 4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये प्रूफ करना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, जैसे लिखा ना ए प्लस बी का होल क्यूब होता है, वो लगा दो यहाँ पे एक्स प्लस आई, तो क्या होगा ये एक्स क्यूब प्लस आई क्यूब वाई क्यूब, ठीक है, प्लस 3 एक्स आई स्क्वायर वाई, नहीं ठीक, आपका 3x स्क्वायर वाई होता है ना, 3x स्क्वायर वाई आई हो जाएगा, प्लस 3x वाई स्क्वायर, तो x हो जाएगा और y स्क्वायर i स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू u प्लस आई वी हो जाएगा, समझ में आ गया इतना। अभी क्या बनेगा, x क्यूब i स्क्वायर कितना होगा, माइनस 1 दिए माइनस यहाँ आ जाएगा 3x वाई स्क्वायर, इन दोनों में से क्या होगा, i क्यूब कितना होता है, माइनस 1 होता है, तो इसको पहले लिख लो 3x स्क्वायर वाई आई, माइनस हो जाएगा ना ये वाई क्यूब आई हो जाएगा, क्योंकि आई क्यूब कितना होता है, माइनस आई होता है, ठीक है। अब यहाँ से क्या बनेगा, ये इक्वल टू ये कितना है आपका u प्लस आई भी हो है ये, अब ये ऐसे रहेगा x क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर, एक मेरे लो प्लस, यहाँ से आई कॉमन ले लो इसमें से, 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब आई कॉमन हो गया, कितना बचेगा u प्लस आई भी बचेगा। कंपेयर करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, बाई कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, क्या आएगा आपका x क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा u आएगा, यहाँ से x क्या करो कॉमन लो, क्या बचेगा यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू यू बचेगा। अब आपको u बाई एक्स लाना है ना, तो ये x को उधर लेके चले जाओ, तो क्या हो जाएगा ये u बाई एक्स इक्वल टू बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस
वाई स्क्वायर, इसको इक्वेशन मान ले। आ गया समझ में ये? यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया, u बाई एक्स को इधर लेके चले गया, तो u बाई एक्स हो गया एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर बचा। दूसरा यहाँ से क्या, ये कौन सा पार्ट था, रियल पार्ट था, अभी इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई, आप इसको नोट कर लेना ठीक है, वाई माइनस वाई क्यूब इक्वल टू वी है, यहाँ से वाई कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू वी। अब ये वाई इधर चला जाएगा तो वी वाई वाई किसके इक्वल बन जाएगा, ये बचेगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, थ्री एक्स यहाँ पे एक्स था ना, हाँ ठीक है, ये आपका टू हो गया। अब दोनों को क्या करो, ऐड कर दो, एडिंग वन एंड टू, तो u बाई एक्स प्लस वी बाई वाई इक्वल टू क्या आएगा आपका यहाँ से, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये कितना होगा, फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर वाई स्क्वायर, फोर कॉमन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, u बाई एक्स प्लस वी बाई वाई है। सेवनटीन क्वेश्चन है, देखो इसमें कह रहा है अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर विथ मॉड बीटा जीरो दिया है, सॉरी वन दिया है, मॉड बीटा कितना दिया है, वन दिया है, देन वैल्यू फाइंड करना आपको बीटा माइनस अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा बार बीटा का मॉड, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है ठीक है। हमने पढ़ा था ना कि मॉड जेड का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, जेड जेड बार होता है ना, मॉड जेड का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, जेड जेड बार। अब ये निकालना, इसका आप स्क्वायर लिखोगे क्या हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा बार बीटा, इसका स्क्वायर लिखोगे तो क्या आएगा, पूरा ये जेड मान लो इसको पूरा जेड, तो क्या होगा ये बीटा माइनस अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा बार बीटा, ये जेड हो गया। अब फिर एक क्या आएगा, बीटा माइनस अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा बार बीटा का ये पूरे का क्या आएगा, बार आएगा, समझ में आ गई बात। अब आपने पढ़ा होगा ना कि जेड वन अपॉन जेड टू पूरे का बार हो, तो इसको लिख सकते हो जेड वन बार अपॉन जेड टू बार, अलग अलग बार हो जाएगा। फिर अलग अलग बार में भी आपका ऐसे आ गया जेड वन प्लस माइनस जेड टू का बार है, तो ये जेड वन बार प्लस माइनस आपका क्या आ जाएगा, जेड टू बार हो जाएगा, अलग अलग फिर से बार हो जाएगा, वही सब रूल इसमें क्या होगा, यहाँ अप्लाई होगा। कैसे, ये तो आपका ऐसे लेफ्ट में आता जाएगा, देखो ये ऐसे रहेगा, इसमें कुछ करना नहीं है, बीटा माइनस अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा बार बीटा, देखो ये क्या करोगे, अलग अलग आएगा, न्यूमरेटर का अलग आएगा डिनोमिनेटर का अलग आएगा, फिर ये माइनस है तो क्या बन जाएगा, बीटा बार माइनस अल्फा बार, अभी बताया था ना कि पूरे का बार बनेगा, फिर अलग अलग ये प्लस माइनस है तो प्लस माइनस अपॉन वन का बार क्या होता है, वन ही होता है, माइनस इसका अल्फा बार लिखोगे ना, अल्फा बार फिर इसका बार लोगे क्या आएगा, ये अल्फा ही आएगा, ये क्या बन जाएगा, बीटा बार ठीक है। अब क्या रह गया आपका, अल्फा बार का बार अल्फा कैसे आएगा, अरे कोई भी नंबर ले लो, जेड लिया ए प्लस आई बी है, जेड बार लगाया ए माइनस आई बी बना, फिर जेड बार का बार लगाया ए प्लस आई बी बन गया, जेड के बार आ गया, आ गया समझ में। अब इसको आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, करो मल्टीप्लाई ऊपर ऊपर नीचे नीचे, बीटा से करोगे क्या हुआ, बीटा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा, फिर क्या हुआ माइनस अल्फा बीटा बार और माइनस अल्फा प्लस हो जाएगा अल्फा अल्फा बार, समझ में आ गया। नीचे करोगे वन से करोगे तो वन माइनस अल्फा बीटा बार, फिर इससे करोगे तो माइनस अल्फा बार बीटा और प्लस अल्फा अल्फा बार बीटा बीटा बार, समझ में आ गई बात। बीटा बार कितना होता है, बीटा बार क्या होता है, मॉड बीटा का होल स्क्वायर, अभी बताया था ना जेड जेड बार क्या और जेड बार होता है, माइनस हाँ ये वन हो जाएगा अल्फा बार बीटा माइनस अल्फा बीटा बार प्लस ये क्या हुआ अल्फा का स्क्वायर अपॉन,
ये वन हो जाएगा माइनस, इसको पहले लिख लो अल्फा बार बीटा माइनस अल्फा बीटा बार प्लस क्या हुआ अल्फा का स्क्वायर और क्या हो जाएगा बीटा का स्क्वायर। अब यहाँ लिख लेते हैं, दोनों सेम हो जाएगा कट जाएगा, हाँ वन आ जाएगा, बीटा माइनस अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा बार बीटा का स्क्वायर। यहाँ से क्या आएगा, ये इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, वन हो गया माइनस अल्फा बार बीटा माइनस अल्फा बीटा बार प्लस अल्फा का स्क्वायर अपॉन, नीचे भी इसकी वैल्यू वन है, सेम है अल्फा बार बीटा माइनस अल्फा बीटा बार, यदि आपका बीटा का वैल्यू दिया ना मॉड वन पुट कर दोगे तो क्या बचेगा अल्फा स्क्वायर बचेगा, केवल अल्फा का स्क्वायर सेम आ रहा है ना, वन हो गया, क्या हुआ बीटा माइनस अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा बार बीटा का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू निकालनी तो क्या हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा बार बीटा का मॉड कितना आएगा वन आएगा, ये आंसर यही वैल्यू आपको निकालनी थी, नोट कर लो इसको। माइनस आई पावर कितना दिया एक्स दिया है इक्वल टू पावर एक्स दिया है, अब इसका निकालोगे मॉडुलस तो कितना आएगा अंडर रूट वन प्लस वन, इसका पावर कितना हुआ एक्स इक्वल टू कितना हुआ टू पावर एक्स, कितना हो जाएगा ये टू पावर कितना हुआ वन बाई टू हो जाएगा ना रूट एक्स, तो ये एक्स बाई टू हो जाएगा, टू पावर वन बाई टू आएगा फिर एक्स से करोगे तो टू पावर कितना होगा एक्स। अब ये क्या होगा, ये इसके इक्वल कब होगा, इसमें क्या पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन कोई होगा ही नहीं इसमें, क्योंकि एक्स की वैल्यू जीरो ही हो रही है तभी आपका ये सेटिस्फाइड करेगा, जीरो पुट करोगे तो जीरो बाई समथिंग जीरो टू पावर जीरो वन हो गया और टू पावर जीरो वन हो गया, अदरवाइज कोई भी नंबर नहीं आएगा, क्या आएगा एक्स की वैल्यू जीरो, और एक्स की वैल्यू जीरो नहीं इसलिए क्या आएगा नो इंटीग्रल सॉल्यूशन, x इक्वल टू जीरो आएगा बट x नॉट इक्वल टू जीरो दिया आपका x जीरो नहीं हो सकता इसलिए नो इंटीग्रल सॉल्यूशन है। इसमें दिया है ना आपका क्वेश्चन में दिया है ना नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, नो इंटीग्रल सॉल्यूशन ठीक है, नो नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन लिखो ना, नो नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, इंटीग्रल माने इंटीजर, इंटीग्रल सॉल्यूशन क्या होता है इंटीजर, इंटीजर की कोई वैल्यू नहीं आएगी नहीं यहाँ पे आपकी ऐसी कोई वैल्यू नहीं है। और 19 में क्या करना है सेम क्या करना है ए प्लस आई बी सी प्लस आई डी ई प्लस आई एफ जी प्लस आई एच, प्लस आई को किससे रिप्लेस कर दो माइनस आई से, क्या बन जाएगा आपका a माइनस आई बी सी प्लस सी माइनस आई डी ई माइनस आई एफ जी माइनस आई एच इक्वल टू ए माइनस आई बी, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो लेफ्ट को लेफ्ट से राइट को राइट से, तो क्या बन जाएगा a प्लस आई बी और a माइनस आई बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे बन जाएगा सारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा। 20th क्वेश्चन करते हैं ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ख़त्म करते हैं, लिख लिया ये इसमें दिया इफ वन प्लस आई अपॉन वन माइनस आई पावर एम इक्वल टू दिया है वन, इसमें कह रहा है कि देन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एम, एम की सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है, इसको सिंप्लीफाई करो कितना होगा वन प्लस आई अपॉन वन माइनस आई, किससे मल्टीप्लाई करोगे वन प्लस आई वन प्लस आई, तो वन माइनस आई और यहाँ होगा वन प्लस आई, नीचे कितना होगा ये वन प्लस आई का होल स्क्वायर होगा वन प्लस आई स्क्वायर प्लस टू आई अपॉन नीचे क्या हो वन प्लस वन हो गया ना, तो ये वन माइनस वन प्लस टू आई अपॉन टू ये कट गया आई आ गया, तो ये आई पावर कितना हो गया एम इक्वल टू वन, तो आई पावर एम तो लिस्ट वैल्यू क्या होगी आई की वैल्यू फोर होगी, क्योंकि फोर जब आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो आई पावर फोर, इसका पावर क्या लिख सकते हो एम बाई फोर इक्वल टू वन हो गया,
तो ये वन हो गया ना, ये भी वन हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, m पावर 4 इसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, m की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ से क्या निकला, m ग्रेटर देन इक्वल टू 4, m की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी या 4 से बड़ी होगी या 4 के मल्टीपुल में आएगी, ऐसे समझ लो। ऐसे करने से अच्छा ऐसे ही लिख दो ना, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ भी देख रहे हो कि i की वैल्यू क्या होता है, i पावर 4m इक्वल टू क्या हुआ, i के पावर 4n, सॉरी यहाँ लिख दो ना, i पावर 4n इक्वल टू क्या 1 होता है, मतलब मल्टीपुल आएगा, तो m क्या होगा, मल्टीपुल ऑफ 4 होगा, m आपका क्या होगा, 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा, ऐसे चलता चला जाएगा। तो लिस्ट वैल्यू कितनी होगी, लिस्ट वैल्यू ऑफ m इक्वल टू क्या होगा, 4 होगा, m की सबसे छोटी वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। चलो ये ख़त्म हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर भी, ये वो बच गया आपका इसका ना, ये इधर दिया ना सप्लीमेंट्री, दोनों सप्लीमेंट्री बची है ना, ट्रिगो की और कॉम्प्लेक्स नंबर की भी है, एक है इसको अब करा देंगे पहले, अब आऊँगा, अब अगली क्लास होगी जुलाई में, ठीक है।